हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3। बेटा, आपको इस क्वेश्चन में कहा है ये जो कलर वाला हिस्सा है ये कितना हिस्सा है, कितना भाग बेटा यहाँ पे कलर है। फिर आपसे कहा है उसका परसेंटेज क्या हो। तो बेटा सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कितना हिस्सा कलर है, रंगीन है। देखिए इस तरह से, अब आप समझिए कितना हिस्सा रंगीन होगा। बेटा ध्यान दो, टोटल हिस्से कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल हिस्से बेटा 4 है, अपॉन में 4 आया। कितना हिस्सा रंगीन है, तो बेटा एक हिस्सा रंगीन है तो ऊपर एक आएगा। ये बात या ये फ्रैक्शन क्या बताता है, ये फ्रैक्शन बताता है टोटल 4 हिस्से हैं। 1 2 3 4, टोटल 4 हिस्से हैं जिनमें से बेटा एक हिस्सा रंगीन है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कितना भाग रंगीन है, 1/4 पार्ट रंगीन है, कलर्ड। यहां भी लिख लेते हैं। अब बच्चों आपको इसका परसेंटेज चाहिए, तो कैसे निकालोगे, ये 1/4 और बेटा इसमें कर दो 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज आ जाएगा। 4 के टेबल से कैंसिल कर दो, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 13, कितना आया बेटा 25%। इतना भाग बेटा यहाँ कलर्ड है, रंगीन है। अब बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है ये जो फिगर है इसमें बेटा कितना पार्ट कलर्ड है, रंगीन है। तो आप ध्यान दीजिए, टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5, बेटा टोटल पार्ट 5 में नीचे 5 आएगा, अपॉन में 5। अब रंगीन पार्ट कितने हैं, 1 2 3, बेटा 3 पार्ट रंगीन है वह ऊपर आए। ये फ्रैक्शन बताता है 5 हिस्से में से 3 हिस्से कलर्ड है। रेशियो क्या बना, 3/5, यहां लिख ले रहे हैं। इतना हिस्सा बेटा रंगीन है, कलर्ड है। अब बच्चों आपसे इसका परसेंट पूछा है, तो बेटा 3/5 × क्या कर दो, 100 कर दो, परसेंटेज आ जाए। कैंसिल करो, 5 1 5, 5 2 10, और ये बेटा 0। 3 × 20 मल्टीप्लाई कीजिए 60। इतना परसेंट बेटा इस फिगर में कलर्ड है, रंगीन है। अब बच्चों आपको कहा है इस फिगर में कितना पार्ट रंगीन है, उसका परसेंटेज क्या है। तो बेटा आप ध्यान दीजिए, टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बेटा टोटल पार्ट 8 है, अपॉन में 8 आएगा। कितने पार्ट बेटा कलर है, 1 2 3, 3 पार्ट कलर है, ऊपर 3 आएगा। फ्रैक्शन बन गया 3/8। ये फ्रैक्शन क्या बताता है, 8 हिस्से में से बेटा 3 हिस्से कलर्ड है, रंगीन है। हमें बेटा आंसर मिल गया 3/8। अब बच्चों हमें इसका परसेंटेज चाहिए, कैसे निकालेंगे, ये बेटा 3/8 उसमें 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 2 के टेबल से कैंसिल करोगे 4 आएगा, इधर 2 के टेबल से कैंसिल करोगे 50 आया, फिर 2 के टेबल से कैंसिल करो, इधर 2 आया, इधर बेटा 25। क्या बचा बेटा, 3 × 25, 3 × 25 और अपॉन 2, मल्टीप्लाई कीजिए 25 का 3 में मल्टीप्लाई 75 अपॉन 2। ठीक है, पॉइंट में निकाल लेते हैं, 2 से बेटा 75 को डिवाइड करो, 3 बार गया 6 आया, घटाइए 1 बचा। अब 5 को उतारिए, 7 बार गया 14 आया, घटाइए 1 बचा। अब बच्चों 1 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, इधर 0 आ गया। अब बच्चों 5 बार गया 10, घटाइए 0 आया, बेटा कंप्लीट डिवाइड हो गया, कितना आया 37.5। हमसे परसेंट पूछा है, यहाँ परसेंट लगा।
इस तरह से बेटा इस कलर्ड पार्ट का परसेंटेज क्या निकला, 37.5%।